नमस्कार, विशेष चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिका आर्य। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलावों की। 2016 में लाई गई किसानों के लिए सुरक्षा कवच को सरकार लंबे समय से प्रभावी बनाने की बात कर रही थी और रायशुमारी भी कर रही थी। अब सरकार ने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं। क्या हैं ये तब्दीलियाँ? क्या इनसे इस फ्लैगशिप योजना में नई जान आएगी या नहीं? किसानों को कितना लाभ मिलेगा? सही मायनों में फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा या नहीं? मौसम में आ रहे बदलावों के मद्देनज़र कितनी दूरदर्शी साबित होगी ये योजना? इन्हीं सब सवालों के साथ आज की विशेष चर्चा, फसल बीमा में बदलाव, किसानों को कितनी राहत? फसल बीमा योजना में जो बदलाव किया गया है वो ये कि अब इसे स्वैच्छिक बना दिया गया है और ये बहुत बड़ा बदलाव, इसकी लंबे समय से मांग भी थी। यानी अब किसानों को अपनी फसल की बीमा कराना है या नहीं, इसका फैसला खुद करना होगा। पहले ये लोनी फार्मर्स के लिए ज़रूरी था, यानी जो कर्ज लेते थे, यानी केसीसी पर 58% किसानों का बीमा ऑटोमेटिकली हो जाता था, जहां उनका प्रीमियम बिना उनकी रजामंदी के उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता था, वो अब नहीं कटेगा। ऐसे में ये फैसला योजना पर कितना असर डालेगा, किसानों को इससे कितनी राहत मिल पाएगी और साथ साथ उन तमाम फैसलों को भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ हाइलाइट्स आपको मैं बता देती हूँ। दूसरा बड़ा बदलाव ये कि केंद्र सरकार ने सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम प्रीमियम दर की सीमा करते हुए केंद्रीय सब्सिडी के नियमों में बदलाव किया है। साथ में राज्यों को जोखिम के हिसाब से नए बीमा प्रोडक्ट लाने की छूट दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए फसल बीमा सब्सिडी में अपना हिस्सा देने का नियम भी पहले से सख्त कर दिया है। सरकार इससे किसानों तक फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच मिलने के दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, इन बदलावों को गुपचुप तरीके से फसल बीमा में ताले लगाने का कदम बताया है। इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जो इसका विश्लेषण करेंगे। परत दर परत हम इन फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं किसान नेता रमनदीप सिंह मान जी, हमारे साथ हैं दिल्ली के भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हरपाल सिंह डागर जी, आपका स्वागत है, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता कृषि सलाहकार केदार सिरोही जी, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले रमनदीप जी आपके पास आना चाहती हूँ कि फसल बीमा स्वैच्छिक कर दी गई है, वॉलेंट्री, अब किसान अपनी इच्छा के मुताबिक इसको इसके लिए जा सकते हैं, इस योजना के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा, किसानों को कुछ राहत मिलेगी और ऐसे में कंपनियों के बिजनेस का क्या होगा? जी देखिए, किसानों को तो ये राहत मिलेगी कि जो आदमी, जिस आदमी की इच्छा है, जो इंटरेस्टेड है, वो लेगा, और जिसकी इच्छा नहीं है या जिसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो वो नहीं लेगा जी। अब बीमा कंपनियों का बिजनेस अब इसे हिट तो हो गई। अब वो जो 58% हैं, अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि 58% ही लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आधे, ये संख्या आधे के आसपास रहेगी, बाकी तो आगे 48% नॉन लोनी है जी। तो अब इससे जो लंबे समय से ये मांग थी कि किसानों की मांग थी कि इसको इच्छा के अनुसार ही रखें, तो अब क्या जो लोग लेंगे कम संख्या होगी, तो जो एक फॉर्मूला होता है, क्या प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्या होगा? जी देखिए अनिका जी, एक तो ये वाली मांग थी कि ये स्वैच्छिक होना चाहिए, एक ये भी मांग थी कि जो जो इंडिविजुअल होती है लैंड होल्डिंग, अगर मेरे पास 1 एकड़ की लैंड होल्डिंग है तो उसको इकाई माना जाए। अभी जो लोकलाइज जो नुकसान होते हैं, जैसे ओलावृष्टि हो गया, इनंडेशन हो गया, और जो एक दो हैं, तो उसके अंदर तो अभी भी इकाई नहीं मानते। अभी भी जो गांव है जी, उसके अंदर अगर होगा एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है, अगर उसके ऊपर का नुकसान होगा तो आपको उसका क्लेम मिलेगा। तो अब ये बात ऐसे तो नहीं होती कि भी अगर एक रोड है उस पर 1000 गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर 1000 में से 800 गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा या 500 गाड़ियों होगा तो आपको क्लेम मिलेगा। बिल्कुल, आपकी अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो यानी आपको जो से क्लेम खेत मिलता को इकाई मानने की जो एक मांग थी, आपका कहना है कि वो एक लंबे समय से, ये एक्चुअली दो मांगे सामने थी कि एक तो स्वैच्छिक बनाई जाए और जो इकाई है उसे तय किया जाए, खेत को इकाई के तौर पर, उस पर कोई भी
जिक्र नहीं हुआ। और हमारे साथ अब केदार सिरोही जी भी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। केदार जी, स्वागत है इस विशेष चर्चा में। डागर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ये जिस तरह से ये बताया कि एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि खेत को इकाई मानने की जो बात, क्या उस पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि सबका कहना है कि अगर ये हो जाता तो हमारी आधी से ज्यादा तकलीफें दूर हो जाती। इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जब इतनी ज्यादा बदलाव सामने किए गए? भारतीय किसान संघ एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन है जी। और लंबे समय से हम इस तरह की ये जो मांगे हैं किसानों के हित की, इनको मांग करते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो ये स्वैच्छिक किया है बीमा योजना को, इसका हम स्वागत करते हैं जी। और जो और भी बड़े बड़े सुधार की गुंजाइश अभी इसके अंदर है, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि ये जो इकाई का जो निर्धारण है जी, ये गजट नोटिफिकेशन आने के बाद ही इसको स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्रेस वार्ता हुई है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। उसके आने के बाद अगर ये उसमें शामिल नहीं होता है तो इसके लिए भी हम पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठाएंगे। आपको नहीं लगता कि जो वार्ता हुई है उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनका जिक्र हुआ, मगर ये जो सबसे बड़ी मांग थी उसका कोई जिक्र नहीं? हाँ, ये सच्चाई है कि उसका जिक्र होना चाहिए था। जिस प्रकार स्वैच्छिक वाले मांग को हमारी को जो स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता के अंदर कहा जी, इसी प्रकार से इसको भी मुख्य रूप मांग के रूप में स्वीकार करते हुए प्रेस वार्ता में इसको खुलासा करना चाहिए था। और इसके बाद जो है हम लोग ये मांग पुरजोर तरीके से उठाएंगे अगर इसको शामिल नहीं किया गया तो। हमारे साथ केदार जी जुड़े हुए हैं। केदार जी, स्वैच्छिक बना दी गई है मगर जो इकाई खेत को जो इकाई के तौर पर तय करना था उस पर कोई जिक्र नहीं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोगों को एक चीज अच्छी थी है, इसमें इन्हें बताया कि इसको हम लोग स्वैच्छिक किया है, परंतु बहुत ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो हम कई लंबे समय से मांग कर रहे थे, जैसे रमन जी ने कहा है कि एक तो खेत इकाई होना चाहिए था, दूसरी बात जो हमारी सबसे बड़ी बात रही है वो ये फसलों को अधिसूचित करते हैं, नोटिफाइड करते हैं। एक तरफ आप देश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, नई क्रॉप की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब तक आपके एरिया में एक सीमित क्षेत्र में अगर आपकी फसल नहीं बुआई जाती है तो उसका फसल बीमा नहीं होता है। तो ऐसे समय पर आज हम लोगों को जरूरत थी एक खेत इकाई करने की, नोटिफाइड फसल हटाने की जरूरत थी, वो नोटिफाइड फसल ये हटाई नहीं है। तीसरा एक ये चीज हो रहा है आज हम लोगों के लिए कि अगर किसान खेती करता है और वो अगर उसका जो प्राकृतिक मार है उसका अगर कंपनसेशन का जगह नहीं होता है तो आप आय दुगनी कैसे करेंगे? आज अगर ये स्वैच्छिक हुई है तो इसका अल्टरनेट क्या? फिर हमारे देश के जो किसान है जो खेती कर रहे हैं उनकी अगर कोई उन पर विपदा आती है, आपदा आती है, किसी भी तरीके का क्रॉप प्रोडक्शन का लॉस होता है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इस पर आज कोई बड़ा विशेष इस पर चर्चा नहीं रहा जी। ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट सामने रखा है कि बार बार सरकार ये कहती रही है कि किसानों की आय दुगनी करेगी 2022 तक, और जिस तरह की आर्थिक मंदी के दौर से पूरा ग्रामीण भारत, पूरा देश गुजर रहा है उसमें ये पॉइंट बहुत ज्यादा सामने आता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम में जलवायु परिवर्तन जिस तरह से ये सामने आ रहा है और जो चुनौतियां बढ़ गई हैं उसको एड्रेस करने के लिए क्या है इन बदलावों में, उस पर बातचीत करते हैं। रमनदीप जी, ये बताइए, फसलों के नुकसान के आकलन के लिए कहा गया है कि टू वे स्मार्ट टेक्नोलॉजी और CCE का तब इस्तेमाल होगा जब कोई वेदर में डिविएशन सामने आएगा। अब इसको आपको क्या लगता है कि किसानों के हक में जाएगा? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कंपनियां CCE करती हैं पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी ठीक से नहीं हो रहे हैं। अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को जब वेदर बेस्ड डेविएशन होगा तब किया जाएगा, जो इस तरह के जो ये शर्तें सामने आ गई हैं इनसे किस तरह का फायदा या किस तरह का नुकसान? देखिए, सेंटर सरकार पिछले एक दो साल से इस चीज़ पे काम कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सैटेलाइट से करेंगे मैपिंग करेंगे, तो उन्होंने एक हल्का लिया है अभी एक स्टेट का, फिर एक स्टेट का एक हल्का लिया है। तो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये 100% कि अच्छा होगा या 100% बुरा होगा, ये तो जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब सारे स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा या 8, 10, 15, 20 हल्कों में इम्प्लीमेंट होगा, ये तो उसके बाद पता लगेगा। तो अगर अभी कह दें कि हाँ जी अच्छा नहीं है तो वो भी गलत है, अगर अभी कह दें कि हाँ जी इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा,
कदम जो है वो एक स्मार्ट कदम लिया गया है एक उस दिशा में जहां जाने की जरूरत है, क्योंकि देश में स्मार्ट टेक्नोलॉजी है और अब उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसको खेती किसानी में अप्लाई करने की जरूरत है अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक होता है। सारी बात उधर ही है, क्योंकि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अगर आप वैसे करते हो तो हर एक जिले में मेरे ख्याल से 8-10-12 होती है एक हल्के में, फिर आप पूरी तरीके से नहीं देख, हाँ फिर आप डिस्ट्रिक्ट देख लो, फिर सारे इंडिया में जितने भी हैं गांव वो देख लो, फिर जो होता है ना टाइम लैग हो जाता है बहुत ज्यादा। अब जो उसके जो आंकड़े होते हैं कि उत्पादन के आंकड़े, फसल बीमा तो ही आपके हाथ आएगा ना, अगर आप बोलोगे एक एकड़ में इस बार मेरे 8 क्विंटल हुए हैं और जो CCE आएगा वो बोलेगा जी एक एकड़ में भाई उत्पादन इतना होता था, एक एकड़ में 9 क्विंटल होता था, आपके 8 हुए हैं तो ही तो आपको 1 क्विंटल के हिसाब से आएगा। अब ये वाला जो आंकड़ा है ये कभी 6 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, उसी हिसाब से जो आपका जो इंश्योरेंस का क्लेम होता है फार्मर का वो पहले वो कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आपके पास आएगा। तो जो अगला जो सीजन होता है उसकी भी हार्वेस्ट हो जाती है फिर आपके पास आता है, तो उसका फिर कोई औचित्य नहीं रहता। जी डागर जी ये बताइए, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि क्लेम्स जो हैं वो लेट मतलब सेटल नहीं हो पाते और लेट आते हैं। हमने देखा कि पूरे देश में किसानों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि नुकसान झेल जाते हैं और उसके बाद उनको पेमेंट उनके हाथ में जब तक आनी चाहिए अगली बुआई के लिए जिस तरह की उनको राशि चाहिए हाथ में वो नहीं होती। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या चीज़ें हैं जो आपकी मांगे हैं या फिर किसानों को किस चीज़ से राहत मिलेगी और एक्सपेडाइट कैसे किया जाए? बातें तो हैं, फेरिस्त लंबी है कि हम ये बदलाव करेंगे, मगर हमें ध्यान इस पर देना है कि अल्टीमेटली किसानों को राहत राशि कब मिलती है। देखिए अभी जो सरकार ने ये जो कदम उठाया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम करेंगे सही से करेंगे और जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी बैठे हुए हैं अगर वो किसानों के हित में जिस प्रकार से सोच बनी हुई है आज पूरे देश की बुद्धिजीवी वर्ग की, कृषि साइंटिस्टों की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, तो वो अगर उसी सोच के साथ अगर हमारे अधिकारी वर्ग भी काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जल्दी से इम्प्लीमेंट होगा। और जो ये टेक्नोलॉजी उपयोग से हमारा जो टाइम वेस्ट होता था या लंबे टाइम के बाद मुआवजा जो मिलता था वो उसमें कमी होगी, समय की कमी होगी, जल्दी मुआवजा मिलने में सहायक सिद्ध होगी ये। लेकिन इसके पीछे सोच की आवश्यकता है, अगर हम सब की सोच ये बन गई, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे कोई राजनेता हों, जो भी इसके लिए बीमा कंपनियां हों, वो सब मिलकर के इस सोच के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी जी। तो बात अटकती है आकर सोच पर, नियत पर। केदार जी ये बताइए कि जब इसमें ये चीज ऐड कर दी है कि जब वेदर में मौसम में कोई डेविएशन होगा तब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की जाएगी, इसको आप किस तरह से समझते हैं? देखिए इसको समझने का सीधा तात्पर्य यह है कि यह सरकार जो है वो किसानों को इसका वास्तविक लाभ देना नहीं चाहती है, ये स्पष्ट हो चुका है। अगर वास्तविकता में जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार की सोच है किसानों को फायदा देने की, अगर ये फायदा देने की सोच होती तो ये फार्मूला में चेंज करते। आज जो कैलकुलेशन का फार्मूला बना हुआ है इसका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, ये जो पहले प्रधान जो पहले फसल बीमा योजना थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो कर रही थी वो सेम का सेम फार्मूला है। आपका 70-80% का डेविएशन निकालना है, 7 साल का औसत निकालना, जब एक तरफ देश उत्पादन आगे की तरफ बढ़ा रहा है जी। तो पिछले 5 साल का जो लोअर उत्पादन है उसको क्यों लिया? तो अगर आप इन लोग कोई सरकार की अगर सोच किसान के हित में होती इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाने के पीछे, तो सबसे पहले उसका फार्मूला चेंज करना होता, उसमें छुपे हुए जो फैक्टर लगा रखे हैं, एरिया फैक्टर जैसी कंडीशन लगा रखी है, वो चीजों को इनको सुधार करना चाहिए था, उस पे तो कोई बात नहीं हुई है। तो इस मुझे लगता है कि जहां पर सुधार करने की बात होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों पर किसानों को ज्यादा चोट होती है, नुकसान होता है, वो चीजों को इनने काउंट नहीं किया। आप बेदर वाला, तो बेदर के अलावा भी हमारी खेती में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे फैक्टर है जी। आज आग का हमारा एक फैक्टर है, जंगली जानवर हमारा एक फैक्टर है, हवाएं हमारा फैक्टर है, कई चीजें ऐसी, लॉसेस है, चोरी है, ये सारी चीजें आजकल होने लगी है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा। अभी प्याज के समय पे आपने देखा कि खेतों से किसानों के प्याज चोरी हो गए,
तो उन चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए था। यानी कि मेटिकुलसली वो तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जो हम आज के तारीख में जिनको झेल रहे हैं। इसमें ये कहना जो टिड्डियों का हमला राजस्थान में हुआ उससे जिस तरह का इतने बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ, या वही जलवायु परिवर्तन इसके पीछे एक बड़ा कारण, ये बहुत बड़ा उदाहरण, इस पर हम बात करेंगे। एक और जो बड़ा इसमें बदलाव देखने को मिला कि कहा जा रहा है इसमें सीधे सीधे कांग्रेस ने आरोप लगाया है सरकार पर कि केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, और इसको सबसे पहले हम सुनते हैं कि कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपना 50-50 देते थे उसमें केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा प्रीमियम का वो कम कर दिया है। आइए पहले सुनते हैं। कल एक तुगलकी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी मंत्रिमंडल ने किया और ये कह दिया कि केंद्र सरकार की बीमा प्रीमियम राशि के 50% की बजाय वो केवल 25% ही देंगे, यानी 100% कटौती कर दी। इसका नतीजा क्या होगा? अब किसान को 2% जमा 25% जो कटौती हो गई है उसे 27% बीमा प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी जो वो भर ही नहीं सकता। जी तो रमनदीप जी, ये इसको आप किस तरह से समझते हैं? क्या असल में स्लैश कर दिया है केंद्र सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन प्रीमियम का? किस तरह से इसको समझा जाए? जैसे ये रणदीप सुरजेवाला जी का कहना है कि किसान पर 27% का बोझ आ जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि किसान पर बोझ आएगा या राज्य सरकार पर, या फिर एक्चुअली में प्रीमियम घटा भी है, या फिर इसको ऐसे समझा जाए कि सब्सिडी जो केंद्र सरकार अपनी तरफ से देती है जहाँ जहाँ प्रीमियम तय है 25% और 30% इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड में, वहाँ पर एक लिमिट, एक कैप लगा दी है, क्या अंतर है इसको जरा समझा। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने, यहाँ तो इन्हें ये होगा कि हम जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएं और ये बात बोल दें, तो ये बात तो नहीं है। ये बात नहीं है। इसको किस तरह से समझें? ये बात नहीं है कि वो आधा कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो इरीगेटेड लैंड है यहाँ पे पानी है तो वहाँ पे जो प्रीमियम होता है, जो इंश्योरेंस कंपनियाँ अपना प्रीमियम भाई अनाउंस करती हैं कि 100 रुपए के ऊपर प्रीमियम होगा 25%। अगर 25% से ऊपर होगा तो हम इसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे, केंद्र सरकार उसमें राशि धनराशि नहीं देगी। बिल्कुल, जो कल इनकी आई है प्रेस की, जो इनकी आई है, यानी 100 रुपए पर 25, अगर 100 रुपए पे 25% 25 रुपए से ऊपर का प्रीमियम है तो हम इसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें कौन भरेगा? या तो राज्य सरकार। हाँ, अब बात हाँ, अब बात बनती है कि अगर किसी का 40% है, अगर कोई हल्का है उसका 40% प्रीमियम है, जैसे एक हल्का है राजकोट का डिस्ट्रिक्ट है उसमें 49% है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं? बता दूं, तो आप 49% को छोड़ दो, आप ऐसे लोगे 40% प्रीमियम है, 40% प्रीमियम, 19% सेंटर देता था, 19% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, राज्य सरकार 2% देता था किसान। किसान का तो अभी आप मतलब उसको आप हाथ मत लो। अब अगर वो 40% है तो सेंटर कह रहा है कि मैं अपने 19% नहीं दूंगा। अब आपने स्टेट गवर्नमेंट के पास एक अच्छा एक्सक्यूज हो गया, उनके पास हो गया बहाना। वो कहेंगे हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, सेंटर अपना हिस्सा नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दे रहे। तो क्या होगा, पिछले जो 2018 का जो सीजन था उसमें पूरे इंडिया में 56 थे जिले जिनका 25% की जो है कैप, और जो अनइरीगेटेड की है 30% की कैप, उनसे ऊपर का प्रीमियम था। तो अब वो जो 56 हैं जिले, 56 जिले, वहाँ पे सेंटर तो बोलेगा कि भाई प्रीमियम है ज्यादा, मैंने तो अपनी लिमिट तय कर दी है 25% और 30%, उसके ऊपर मैं हाथ खड़े करता हूं, मैं उसके ऊपर नहीं दूंगा जी। अब राज्य सरकार के पास एक्सक्यूज हो गया, वो कहेंगे भाई सेंटर नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दे रहे, तो वो 56 जो है जिले वहाँ पे वो होगा नहीं। अब यहाँ तो ऐसे होगा, यहाँ फिर सेंटर ये कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर 25% से ऊपर है, 25% से ऊपर है प्रीमियम, तो मैं अपना, मेरा जो हिस्सा है वो मैं 25% के हिसाब से मैं अपना शेयर डालूंगा जी। उसके जो ऊपर का हिस्सा है तो वो गैप कौन भरेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट दे दे। अब ये आपस में ही सेंटर और स्टेट एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल के, वो जो 56 है ना जिले जी, 56 जिलों में, अब ये तो आगे पता लगेगा अब क्या होता है। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि इन्हें ये सेंटर को ये
ये चीज हटाने की आवश्यकता क्या थी। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ पे हाई प्रीमियम है, जहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा है, जहाँ पे इंश्योरेंस की जो बीमा कंपनियों की भी उनको फायदा हो जाता है, उसके लिए हम एक स्पेशल स्कीम लेके आएंगे जी। वो 151 जिले आपदा ग्रस्त जिले, उनकी बात की है कि उसके लिए एक नई योजना आएगी। अब वो इन्होंने कहा कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, हिस्सेदारों से बात करेंगे, उसका तो नाम भी नहीं बताया स्कीम का, तो अभी स्टेक होल्डर से होगी कब बात और स्कीम कब आएगी। डागर जी ये बताइए कि जिस तरह से 151 आपदा ग्रस्त जिले हैं, उनमें तो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर सबसे अर्जेंटली अटेंशन देने की जरूरत है। ये बात अच्छी सामने आई है कि उसका ध्यान में रखकर एक नई योजना आएगी, मगर उसी योजना को के ऊपर और ज्यादा खुलासा होता तो क्या ज्यादा अच्छा नहीं रहता, या बजटरी एलोकेशन की बात होती ताकि नियत पता चलती कि तुरंत उस पर काम करने की तत्परता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात इसमें इस बात का प्रायोरिटी पर खुलासा होना चाहिए था, क्योंकि उन किसानों को सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत है। और दूसरा, इसके साथ में एक बात और एक विषय इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा कि देश के आज बहुत से ऐसे किसान हैं जिसके नाम पर पट्टेदारी नहीं है या जमीन के मालिकाना हक नहीं है, वो छोटे किसान किसी और किसान की जोत को लेकर के और वो ठेके पर जो है वो खेती किसानी करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, देश के उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं जी। इसके अंदर ये भी ऐड होना चाहिए कि लीज सिस्टम को वो एग्रीमेंट एक जो पट्टेदार के साथ और उसके जो खेती किसानी करने वाला किसान है उसके साथ जो लीज हो, उस लीज को स्वीकार करते हुए उसको भी मुआवजे का हक मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक इस बीमा योजना के अंदर ऐसे किसानों को, माना मेरी कोई जमीन का टुकड़ा है और उस पर कोई काश्तकारी दूसरा किसान कर रहा है, मैंने उसको ठेके पर दे दी, तो वो ठेके पर किसान जो काश्तकारी दिन रात मेहनत करता है जी, उसको उस बीमा का लाभ नहीं मिलता मौजूदा कानून के तहत। तो ये भी हमारी मांग है कि इस तरह के जो भी किसान हैं जो पट्टेदारी, उनको भी इसके लाभ के दायरे में लाया जाना चाहिए। केदार जी आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक तालमेल की बात उठाई रमनदीप जी ने, क्योंकि ये तालमेल और संतुलन बहुत ही ज्यादा अहम है, आप ये बताएं कि वहाँ पर आपके किस तरह के अनुभव हैं मध्य प्रदेश में। वहाँ भी ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ का, अपने हिस्से का 3 साल से जो राशि है वो जमा नहीं कराई, उसकी वजह से किसान अभी भी भुगत रहे हैं खामियाजा, उनके हाथ में पैसे नहीं आ रहे। ये पिछली जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसने पिछले 3 टर्म का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं दिया, उसके कारण जो हमारे लाखों किसान है इस बार जो हमारी फसल बर्बाद हुई थी उनको उनका फायदा नहीं मिल पाया है। तो इस तरीके का एक कम्युनिकेशन का गैप और एक आपस में सामंजस्य बनाने नहीं चलने के कारण, जो केंद्र और राज्य के कारण, इसका सीधा सीधा खामियाजा जो है वो किसान को भुगतना पड़ता है। इसलिए इस योजना में कम से कम जो स्टेक होल्डर है उनको रखना चाहिए। आज आप देख लीजिए कि इसका इसके अलावा फाइनेंस का बात होता है, इसके अलावा फाइनेंस जिले का बनता है, उसके ऊपर प्रीमियम कटता है, उसके हिसाब से बीमा होता है। तो इसके अलावा फाइनेंस करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैंक अलग हो गया है, उसकी प्रीमियम काटने वाला एक बैंक अलग हो गया है, उसके बाद में उसका नोटिफिकेशन करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, उसके लिए एक अलग विभाग हो गया है। चौथा, जब उसका क्रॉप कटिंग सीसी आएगा उसके लिए एक अलग विभाग हो गया, फिर उसका कैलकुलेशन होगा, वितरण होगा। तो इस तरीके का एक बहुत लंबा स्टेक होल्डर, इसमें लंबी चेन बनी हुई है, वो चेन जब तक छोटी नहीं होती है वो मुझे नहीं लगता है कि किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आउटपुट रेशो देखें, भारत में हर साल इतने किसानों की फसलें खराब हो रही है, मिल कितने को ला रहा जी, पिछले सालों के आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं गाँव के लोग हैं, पर ये जब हम पेपर पढ़ते हैं देखते हैं कि 10,000 करोड़ 15,000 करोड़। तो ये योजना जो बनाने की है ये कारपोरेट की सरकार है, कारपोरेट के लिए सोच रही है। आप इनाम देख लीजिए, सॉइल हेल्थ कार्ड देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा देख लीजिए, जो इसको रूलिंग कर रहा कारपोरेट कर रहा उसको तो फायदा हो रहा है। तो ये एक बड़ा आरोप की कॉर्पोरेट्स की तरफदारी की जा रही है। रमनदीप जी ये बताइए, बार बार ये बात सामने आती है कि कॉर्पोरेट्स की तरफदारी की जा रही है और यहाँ जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के लिए हैं और ये उनके लिए बिजनेस मॉडल है, ऐसे में किसानों का लाभ कौन देखेगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं रणदीप जी को, उन्होंने इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं कांग्रेस की तरफ से, और फिर मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। 2016-17 के, 17-18 के और 18-19 के, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये मैं नहीं है, मैं सरकार के आंकड़े, ये दर्शाते हैं कि बीमा कंपनियों को मोदी जी ने प्रीमियम तो दिया 70,801 करोड़
77,801 करोड़, और बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया उस प्रीमियम पे 19,202 करोड़। तो साहब 70,000 पे 20,000 करोड़ मुनाफा कमाने का बहुत खूबसूरत बिजनेस मॉडल अगर कोई सीखना है तो वो मोदी जी से सीखो, वो सारा पैसा आपकी और किसान की जेब से गया जी। तो अब इन बदलावों के बाद स्थिति आपको क्या लगती है, जिस तरह की शर्तें सामने रखी हैं कि प्रिवेंशन ऑफ सो ये एक रिस्क कवर भी जो स्टेट्स हैं अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसमें क्या इंश्योरेंस कंपनियां भी उतनी तत्परता दिखाएंगी? मिड टर्म एडवर्सिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, प्री सोइंग कंडीशंस, इन सब की बात तो हुई है जो कि बहुत बढ़िया है, बुके में ये सारी चीज़ें आई हैं पहली बार, लेकिन क्या उस तरह की तत्परता दिखेगी, खासतौर से जैसे हमने सुना कि 19,000 करोड़ का मुनाफा कमाया कंपनियों ने? देखिए अनिका जी, अब जो तो उनके पास पहुंच गया वो इनके ये आंकड़े तो बिल्कुल ठीक है, ये तो पार्लियामेंट के जवाब है। तो अब आपको अब जो आगे की बात है हमें उस पर बात करनी चाहिए जी। अब बात ये होती है, उन्होंने बोला कि अगर आपने हेल स्टॉर्म का ही लेना है, ओलावृष्टि का लेना है, तो आप सिर्फ ओलावृष्टि का ले लो, जो इनंडेशन होता है जल भराव का लेना है आप जल भराव का ले लो, जो हार्वेस्ट के लॉस होते हैं तो मतलब ये आपकी इच्छा है कि आप एक ओलावृष्टि का ले लो, एक आप हार्वेस्ट लॉस का ले लो, ये अच्छी बात है जी। ठीक है, अब इसमें आप अब पता नहीं इनकी सोच है, ये सरकार की सोच है या ये होगा, अगर आप एक दो उसमें से लोगे ना तो उसका जो प्रीमियम है वो बहुत ऊपर जाएगा जी। प्रीमियम तो जाएगा ऊपर, इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर इतने से ऊपर जाएगा 25% से तो हम लेंगे नहीं। तो एक तरफ तो वो इंतजाम मोदी सरकार ने वो हो गया कि ऊपर जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम की जो बीमा की है कंपनियां, दूसरा इंतजाम ये कर दिया कि अगर ऊपर गया तो फिर हम इसमें हिस्सेदारी डालेंगे। इसका मतलब तो ये तो साफ ही है कि भाई जो इसमें फार्मर्स थे उनका मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है बीमा करने में। डागर जी, संक्षिप्त में, बहुत ही समय की कमी, फाइनल कॉमेंट, किस तरह की इसमें कमी दिख रही है, बदलाव की दरकार थी लेकिन हुआ कि नहीं सही मायनों में, क्या चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? इसके नोटिफिकेशन को आने दीजिए, उसके बाद हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी उसके ऊपर अध्ययन करेगी, करने के बाद में जो कमियां होंगी उनको पुरजोर तरीके से किसानों के हित में सरकार के सामने उठाया जाएगा। और हम सभी किसान संगठनों से ये उम्मीद करते हैं कि हम सब मिल करके आज एक अच्छा अवसर मिला है और ये जो ना राजनीतिक बहस का विषय नहीं है, कम से कम एक सोच बनी है कि किसानों को जिस प्रकार से किसानों के बारे में बुद्धिजीवी, कृषि विशेषज्ञ और पत्रकार जगत के लोग ये परिचर्चा करने लगे हैं ना, तो आज से 10 साल पहले किसानों के बारे में कोई बात नहीं की जाती थी। एक बात कही जाती थी कि किसान का अगर उत्पादन का थोड़ा सा दाम बढ़ गया तो हाहाकार मच जाता था कि ये दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। जब किसान के दाम, फसल के दाम नहीं बढ़ेंगे तो बहुत किसान कैसे आपको बीच में काट रही हूं, समय की पाबंदी है। तो जिस तरह से किसान पर फोकस दिखाया गया है इस बदलाव में, इस योजना में, तो उम्मीद करते हैं कि अब नए फीचर्स के साथ केंद्र और राज्य सरकार तालमेल बनाते हुए सही मायनों में किसानों को ये सुरक्षा कवच प्रदान करे और भावी चुनौतियों के तीर इस कवच को भेद ना पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।